नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। आज मैं आपके साथ DIY हैंड स्क्रीम की रेमेडी शेयर कर रही हूँ ताकि इस विंटर्स आप इस क्रीम के इस्तेमाल से अपने हाथों को सॉफ्ट एंड स्मूथ रख सकें। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें शामिल हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आप इस्तेमाल करते हैं 2 टेबल स्पून, विटामिन ई कैप्सूल 2, ग्लिसरीन 1/2 टेबल स्पून, पेट्रोलियम जेली या वैसलीन 1 टेबल स्पून और काफूर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। DIY हैंड स्क्रीम बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। एक ड्राई बोल लें और इसके अंदर ये तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद किसी ड्राई कंटेनर में इस क्रीम को शिफ्ट कर दें और हमारी हैंड स्क्रीम बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले हैंड वॉश करें और जब आपके हाथों की स्किन हल्की नम हो तो थोड़ी सी क्रीम लेकर अपने हाथों पर अच्छी तरह मसाज करें। नकल्स और स्किन अराउंड नेल्स, इन एरियाज पर अच्छी तरह मसाज करें और इसके बाद इस क्रीम को हाथों पर लगा रहने दें। आप डेली रात को ये क्रीम अपने हाथों पर अप्लाई करें और इसके बाद इस विंटर सीजन में अपने हाथों को सॉफ्ट और स्मूथ रखें। DIY हैंड क्रीम ना सिर्फ आप अपने हाथों को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ अगर आपके पाँव की स्किन ड्राई है तो ये क्रीम आप अपने पाँव की स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।